हेलो क्लास नाइन, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग रिवीजन करेंगे, तो बेटा हम यूनिट वन से रिवाइज कर रहे हैं आज ई लर्निंग मॉड्यूल्स के थ्रू। आपका यूनिट वन जैसे आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का है, तो इसमें सबसे पहला सेशन है हमारा इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। तो आप जो भी वीडियो प्ले होगी तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। In this lesson, you will learn how to define communication and its purpose. Identify the different types of communication. List the barriers to effective communication. Describe the process of communication. Explain the seven C's of effective communication. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग के पास क्या है कि कम्युनिकेशन क्या होता है और ये क्यों किया जाता है, इसका क्या पर्पस है कम्युनिकेशन करने का। और सेकेंडली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन के कितने अलग अलग प्रकार होते हैं। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाता, कई बार इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कई तरह के बैरियर्स आ जाते हैं जिससे कि वो इफेक्टिवली पूरा नहीं हो पाता, उसका पर्पस पूरा सॉल्व नहीं हो पाता, तो वो बैरियर्स भी हम पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस आपको याद होगा कि हमने पूरी एक साइकिल पढ़ी थी जिसमें कि सेंडर सबसे पहले जब मैसेज सेंड करता है थ्रू डिफरेंट चैनल्स, तो फिर वो रिसीवर के पास पहुंचता है, रिसीवर उसको इंटरप्रेट करके समझ करके उसका अकॉर्डिंगली रिप्लाई करता है, मीन्स कि अपना फीडबैक देता है, और फिर से वो सेंडर के पास वो फीडबैक पहुंच जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा था, तो वो भी हम रिवाइज करेंगे। लास्ट वन इज एक्सप्लेन द सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन से ऐसे सात सी से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो हमने सारे इन सेवन सीज को भी पढ़ना है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, तो वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है और ये क्यों किया जाता है। यू हियर पीपल टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन ऑल द टाइम। Everyone seems to need it and want it. But what exactly is communication? Communication is the process of giving and receiving information. Communication happens between two or more individual or groups. Sharing of information helps the communicating individuals to reach a common understanding. तो इसमें कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपको साफ साफ बताई है कि कम्युनिकेशन मीन्स संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी बात को हम अपने मतलब दूसरे तक पहुंचाते भी और दूसरे की बात को खुद प्राप्त करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, तो मतलब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक है, तो संचार एक ऐसी क्रिया है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो टेलीफोनिकली क्यों ना हो, चाहे वो एक मीटिंग में क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी मीडियम का यूज करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होती है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प्स कम्युनिकेटिंग इंडिविजुअल्स टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब जब हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं ना, तो फिर कहने का मतलब कि हम क्यों करते हैं कि हम लोग आपस में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच सकें। कहने का मतलब है कि जो मैं आपको बात समझा रही हूँ वो आप उस लेवल को, उस बात को उसी तरह से इंटरप्रेट करें, उसी तरह से समझें। ठीक है, The purpose of communication is to inform, influence and share. Click each image to know more. अब हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन का क्या पर्पस है, कि कम्युनिकेशन क्यों की जाती है। तो कम्युनिकेशन हमारी मेनली तीन वजह से की जाती है, एक तो इन्फॉर्म, दूसरा इन्फ्लुएंस और तीसरा शेयर। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए कि इन्फॉर्म का क्या मतलब होता है, इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है और शेयर का क्या मतलब होता है। Inform means giving information about something specific, such as railway announcements about the train status or notices by examination boards about exam dates. आप देखो, सबसे पहला purpose communication का क्या है कि हमने
कोई किसी को पर्टिकुलर चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन बतानी है। सपोज इसमें दो एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन में होते हैं ना, तो रेलवे अनाउंसमेंट्स हमारे को टाइम टू टाइम आती रहती कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और कितने बजे चलेगी। तो ये जो रेलवे अनाउंसमेंट्स है हम सब पैसेंजर्स के लिए क्या हुई, एक इन्फॉर्मेशन है, तो वो हमें उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो जानकारी देने के लिए भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। अब जैसे हमारे एग्जामिनेशन बोर्ड्स में नोटिस लगे होते हैं, उससे हम अपनी एग्जाम डेट्स का पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सा एग्जाम हमारा कौन सी डेट को है। तो ये भी हमारे लिए एक क्या हुई, एक रिटर्न कम्युनिकेशन हुई, बट एक इन्फॉर्मेशन हुई। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी को किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन किसी तरह की इन्फॉर्म करना चाहते हैं, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो भी हम कम्युनिकेट करते हैं। तो कुछ इन्फॉर्म करने के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए। सेकंड सुनेंगे, इन्फ्लुएंस मींस यूजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स टू अफेक्ट अदर्स डिसीजंस, सच एज टीचर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टूडेंट्स टू मेक द राइट चॉइसेस इन एकेडमिक्स, और पॉलिटिशियंस गिविंग स्पीचेस टू इन्फ्लुएंस पीपल टू वोट फॉर देम। अब दूसरा कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, क्यों करते हैं, हम किसी को प्रभावित करने के लिए भी कम्युनिकेशन करते हैं। सपोज इसमें दो एग्जांपल दिए हैं, सबसे पहले है कि टीचर्स स्टूडेंट्स को प्रभावित कर सकते हैं, उनके करियर को ऑप्ट करने में हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टीचर्स प्रभावित कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि वो टीचर उस स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को जानता है कि वो किस स्ट्रीम में आगे जाके अच्छा कर सकता है। तो अगर स्टूडेंट्स को, क्योंकि उस टाइम पता नहीं होता कि वो करियर में क्या आगे फर्दर ऑप्ट करें, वो कंफ्यूजन स्टेट में होते हैं, तो किसी को एक गाइड करने के लिए, किसी को कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए भी काम हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो टीचर स्टूडेंट को डिसाइड करवा सकता है, मतलब एक अच्छी राय दे सकता है कि वो आगे जाके अकेडमिक्स में कौन सा करियर या कौन सा कोर्स चूज करें। सेकेंडली एग्जाम्पल इसमें जो दिया है पॉलिटिशियंस का दिया है। देखो जैसे वोटिंग होती है, तो उससे पहले सारे पॉलिटिशियंस जो खड़े होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं जो, तो वो स्पीचेस देते हैं, और उनकी स्पीच सभी देते हैं, बट हम लोग सभी से प्रभावित नहीं होते, हम किसी एक से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं उसकी स्पीच से। तो किसी को तो उस प्रभाव से ही हम उसको वोट देते हैं, ठीक है, और साथ में उसके क्या जो है वादे हैं कि वो करेगा जीतने के बाद, तो उसको भी देखते हैं, साथ में उसकी स्पीच को भी हम देखते हैं कि वो किस तरह से जो है कॉन्फिडेंट है, और किस तरह से जनसेवा में जो है उसके जो वादे वगैरह करता है तो वो कितने जो है वो स्ट्रांग है, या वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीजों को मतलब पॉलिटिशियंस अपनी तरफ से अपने वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए स्पीचेस देते हैं। तो ये स्पीच देना, हम किसी को किसी का डिसीजन बदलने के लिए जब कम्युनिकेट करते हैं, तो मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं। तीसरा, शेयर मींस कन्वेइंग थॉट्स ideas and feelings, such as a candidate shares his or her aspirations for the future during an interview, a mother sharing her concern regarding her child's progress with the class teacher. अब इसमें है शेयर, अगर आप देखो कि दिन भर हम जो आपस में बात करते रहते हैं, तो हम लोग अपने विचारों को, अपने आइडियाज को और अपनी फीलिंग्स को आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया कि जो कैंडिडेट है, अगर वो सपोज एक इंटरव्यू के लिए गया और इंटरव्यूअर ने उससे कुछ क्वेश्चन किया है कि आप अपने फ्यूचर में मतलब क्या आपकी आकांक्षाएं हैं, तो वो अगर अपनी उन चीजों को शेयर करता है, तो कहने का मतलब है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर एक मदर अपने बच्चे की प्रोग्रेस से कंसर्न रखकर एक टीचर से बात करती है उसकी, अपने बच्चे की उसकी प्रोग्रेस के बारे में कि वो किस तरह से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो वो सारे जो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, जो फीलिंग्स हैं, तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए हम आपस में बातचीत करते हैं, तो कम्युनिकेट करते हैं। तो इन सब चीजों को शेयर करने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं। कम्युनिकेशन हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए करते हैं, कम्युनिकेशन हम किसी को प्रभावित इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं, और कम्युनिकेशन हम अपने विचारों को, अपने आइडियाज को और अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ साझा करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन अगर आपके पास आता है, तो आप तीन आंसर दे सकते हो, इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस एंड शेयर, और उसमें आप अपने उसको आगे डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो कि इन्फॉर्म का मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, शेयर का मतलब क्या है, और उनके भी पर्टिकुलरली आप एग्जांपल्स दे सकते हो। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन,
फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बनेगा आपका पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कई बार इकट्ठा भी आ सकता है बड़े मार्क्स में, ज्यादा नंबर में। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन डिटरमिन्स द मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट देम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो जो हमारा संचार का एक पूरी प्रक्रिया रहती है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो कम्युनिकेशन कितनी तरह के होते हैं, तो इसमें मेनली आपके दो ही बताए हैं, बट आपके जो सिलेबस में है वो तीन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से अभी देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से दिया है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें हम वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, और दूसरा क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देख लेते हैं क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रैफिक लाइट टर्निंग ग्रीन सेंड्स द कम्युनिकेशन टू पीपल टू गो अहेड। अ स्माइल ऑन अ पर्सन्स फेस इंडिकेट्स दैट ही और शी इज हैप्पी। A student raising his or her hand indicates that he or she has a question or some information to share. तो देखो अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हुए भी अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तो वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम शब्दों का बिना इस्तेमाल किए किसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे इसमें तीन एग्जाम्पल दिए हुए, एक जो ट्रैफिक लाइट का, आपको पता ना रेड सिग्नल आते ही हम लोग मतलब ऑरेंज सिग्नल आते ही हम लोग पहले धीरे कर लेते हैं गाड़ी को, और रेड सिग्नल पे बिल्कुल हम जो जब आता है तो बिल्कुल रोक देते हैं। ठीक है, और उसी तरह से अगर हमारी ट्रैफिक लाइट ग्रीन है तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाती है कि अब हमें हम जा सकते हैं, हम चल सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैफिक लाइट का एक सिग्नल क्या हुआ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, जिसमें कोई बोल नहीं रहा है फिर भी हम लाइट्स का कलर देख करके कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि हमें कब चलना है, कब रुकना है, कब धीरे होना है। नेक्स्ट है स्माइल। अगर आप किसी भी पर्सन के फेस पे स्माइल देखते हो तो आप बिना उसके बताए भी आप जान लेते हो कि वो खुश है, और ये तो एक फिर दूसरी तरह की मतलब ये भी एक एग्जाम्पल हुआ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। और किस तरह से एक और एग्जाम्पल दिया कि अगर सपोज हमारी क्लास चल रही होती है, आप अपना हाथ खड़ा करते हो, तो उससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने या तो कोई क्वेश्चन करना है या फिर आपको कोई अपनी बात बतानी है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो ये क्या होता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें किसी ने भी शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए भी अपनी इन्फॉर्मेशन को साझा किया है। अगला है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। We have understood that communication is an exchange of information between two or more people. Let's next look at the process of communication. Click the image. The purpose of communication determines the mode of communication used. To know more. Verbal communication involves exchanging and understanding information by using words. For example, textbooks use words to help us gain knowledge. Conversations over the phone or face-to-face take place using words. Text messages on cell phones help us communicate with others by using words. ठीक है, तो verbal communication वो सब communication जिसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, समझने के लिए, तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसमें शब्द लिखे होते हैं, ठीक है, तो जो शब्द है तो शब्द के को पढ़ के जो हम नॉलेज ले रहे हैं वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में हो रही है। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं क्लास के अंदर, प्ले ग्राउंड में, कहीं पर भी हम बात कर रहे हैं, तो वो सारी वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। इवन अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं तो भी वो जो कन्वर्सेशन है उसको वर्बल कम्युनिकेशन में हम लेते हैं। और अगर जैसे हम सेल फोन्स में हम टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, या फिर हमारे को ईमेल कोई आई है, तो किसी भी तरह का जो टेक्स्ट मैसेज है, चाहे एसएमएस के थ्रू आया है, तो वो भी वर्ड्स के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहे हैं ना हम, तो उसमें भी जो रिटर्न है, चाहे वो रिटर्न है, चाहे हम ओरली, हाँ दूसरा वर्ड था, एक रिटर्न होता है, एक ओरल होता है,
तो रिटर्न में भी देखो शब्द होते हैं और ओरल जब हम लोग बातचीत करते हैं तो भी उसमें शब्द होते हैं, तो चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे वो मौखिक रूप में हो, चाहे वो मतलब रिटर्न में हो, चाहे वो आपके ओरली जो हम सुनते हैं, ठीक है, वो शब्द हो बोल करके, तो वो सारे हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। ओके, तो जो हम बातचीत शब्दों के माध्यम से करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, वो सारी कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। तो अभी जो आपका नेक्स्ट है, वी हैव अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। लेट्स नेक्स्ट लुक एट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्लिक द इमेज टू प्ले द वीडियो। अ कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज फाइव एलिमेंट्स। A source or sender produces the information or message. The sender puts the information or message into words. The message is conveyed using a channel such as telephone or mobile phone, face-to-face conversations, text messages, emails, etc. The message is received by others or receivers. The receivers understand the information using their ability and revert to the sender. Let's understand this better with an example. Shilpa is the head of a team of cooks in the food and beverage department of a 3-star restaurant. She decides to change the menu with the help of her cooks. She wants to take suggestions from her team by calling all of them in her room and asking them together. All the cooks in her team really appreciate the idea and give their suggestions. In this case, Shilpa is the sender as the thought of changing the menu came to her brain. Shilpa's thought takes the form of a message that is coded by using a language. Then, Shilpa decides to have a face-to-face meeting with her team, which becomes the channel for communication. Shilpa's message is received by her team and so they all become receivers. They revert to Shilpa by appreciating her thought and giving suggestions. ओके, तो ये आपको बहुत ही अच्छे एग्जांपल से पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस बताया कि किस तरह से सेंडर जो है अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है और फिर रिसीवर उस मैसेज को समझ करके अपना सुजेशन एक फीडबैक की फॉर्म में या उसका रिप्लाई एक फीडबैक की फॉर्म में वापस सेंडर तक पहुंचाता है। तो ये पूरी सेंडर टू सेंडर एक साइकिल चलती है। तो इसमें जो आपको एग्जाम्पल बताया है उसमें क्या है, एक शिल्पा है जो कि वहां एक रेस्टोरेंट में काम करती है और वो जितने भी खाना बनाने वाले हैं उसकी वो हेड है। तो उसको एक दिन आइडिया आता है कि क्यों ना हम अपना जो मेन्यू कार्ड है उसमें जो फूड आइटम्स है उसको हम थोड़ा उसमें बदलाव लेके आए, उसको चेंज करें। तो उसके माइंड में क्या आया, वो एक आइडिया आया। तो हमने शुरू में क्या बात की थी कि जो कम्युनिकेशन होता है वो हम अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। तो अभी इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी, इसने कोई आइडिया नहीं देना, इसने कोई फीलिंग नहीं बतानी, इसको अभी क्या है, सॉरी आइडिया है, इसको कोई अपना थॉट नहीं बताना, इसको अपना आइडिया एक्सचेंज करना है लोगों के साथ, वहां पर खाना बनाने वालों के साथ, ठीक है। तो इसको आइडिया जो आया कि हम क्यों ना मेन्यू के फूड आइटम्स में कुछ चेंजेस करें, तो ये क्या हुआ, उसका आइडिया आया। तो वो जो उसके ब्रेन में आइडिया आया, अब उसने किसके साथ शेयर करना है, वहां पर जो खाना बनाने वाले हैं उनके साथ करना है। तो उसने क्या किया, जो उसका आइडिया था उसको, उस क्या आइडिया था, क्या मैसेज था कि उसने मेन्यू कार्ड में फूड आइटम्स को चेंज करना है, तो वो जो मैसेज था उसने रिसीवर तक पहुंचाया। कैसे पहुंचाया, वाया चैनल। अब ये चैनल क्या है, ये माध्यम है जिस माध्यम से सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज पहुंचाता है। अब वो माध्यम लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, ठीक है, मींस कि वो आपस में सामने फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं, जैसे अभी इसमें बताया कि उन्होंने मीटिंग की थी वही रेस्टोरेंट के अंदर बैठ करके, तो आपस में फेस टू फेस भी बात की जा सकती थी जैसे इन्होंने की, और टेलीफोन पे भी वो आइडिया ले सकते थे, वो एक लिखित कोई मैसेज के रूप में भी उसको वो उनसे सुजेशन मांग सकती थी। तो कहने का मतलब वो मीडियम किसी भी तरह का हो सकता है, ईमेल कर सकती है, व्हाट्सएप कर सकती है, उनसे फोन पे पूछ सकती थी, या फिर जैसे वो फेस टू फेस उनसे बात कर रही है, तो इस तरह से भी आप
कोई मतलब एक मीडियम होता है कि हम किस मीडियम के थ्रू बात कर रहे हैं। अभी जैसे हम कैसे बात कर रहे हैं, अभी मैं एक वीडियो बना करके आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। बट अभी वन वे कम्युनिकेशन ही है, टू वे नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ अभी बोल रही हूँ, आपकी बात सुन नहीं पा रही हूँ। तो जब आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना फीडबैक बताओगे ना कि मैम इस वीडियो में हमें ये समझ आया, ये समझ नहीं आया, तो फिर हमारी कम्युनिकेशन कम्प्लीट होगी। अभी हमारी वन वे कम्युनिकेशन ही चल रही है, सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, आप सिर्फ सुन पा रहे हो, जैसे रेडियो में होता है, ठीक है, जैसे टेलीविजन में होता है। तो अभी वन वे कम्युनिकेशन ही है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। तो अभी जैसे जो उसका आइडिया था, वो उसने एक मीटिंग बुलाई उन सब लोगों को जो वहां पे खाना बनाते थे, और उसने उसको अपना बोल करके वो मैसेज बताया, ठीक है, बोल करके बताया कि मेरे माइंड में ये आइडिया है कि मुझे फूड आइटम्स चेंज करनी है, तो आप क्या सुजेस्ट करते हो, आप मुझे अपनी अपनी सुजेशंस दो। तो वो जो कुक होते हैं वो सोचते हैं, और फिर उनको पहले तो शिल्पा को जो उनकी हेड है उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि मैम आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है, हाँ हमें बहुत सालों से सेम हम ये फूड आइटम्स को जो है सेम ही हमारे में है, तो हमें कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए, जो नया लोगों को पसंद है वो भी, हमें आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो अपने साथ के साथ सुजेशंस देते हैं कि क्या क्या नई फूड आइटम जो है अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो क्या हुआ, जो रिसीवर थे, जो कुक थे वहां पर, उन्होंने उस आइडिया को अप्रिशिएट भी किया और बोल करके बताया कि मैम हमें आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा है, और साथ के साथ उन्होंने सुजेशंस भी दी कि क्या क्या न्यू फूड आइटम्स हम अपने मेन्यू में रख सकते हैं, ठीक है। तो उसने सेंडर कौन था, सबसे पहले शिल्पा थी, तो उसने उस चीज को सुना, और जो उसका एक पूरा एक सुजेशन लेने का एक पूरा आइडिया था ना, तो वो कंप्लीट हो गया, उसे उनसे सुजेशंस मिल गई। तो कहने का मतलब है एक कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। तो यही हमारा पूरा दिन भर जो हम बात करते हैं वही कम्युनिकेशन प्रोसेस होते हैं। हमें कोई टेंशन होती है, हमें कुछ पूछना होता है किसी से, अपनी मम्मा से, पापा से, टीचर से, अपनी फ्रेंड से, तो अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम उससे पूछते हैं, तो वो अपने सुजेशन उस हिसाब से हमें देते हैं, तो भी हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अभी हम आज इतना ही करते हैं, क्योंकि 22-23 मिनट की जो है वो वीडियो बन गई है, अदरवाइज अपलोड होने में बहुत टाइम ले लेती है, कई बारी होती भी नहीं है। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, और बाकी की बातें मैं आपसे व्हाट्सएप पे करती हूँ कि इसको अब आपने